हेलो गाइस ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पर पीएचडी एच डी के लिए एप्लीकेशन आज ही से स्टार्ट होने वाले हैं और उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और किन सब्जेक्ट से सीट कितनी है वो सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस की ओर तो देखिए हम पहले तो नोटिस देख लेंगे पाँच अक्टूबर को ही इसका नोटिस आ गया था तो इसका डेट वगैरह जो है वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है बट सेशन 2024-25 के लिए बहुत स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे थे तो उनके लिए ये एक खुशखबरी है तो देखिए 10 दस यानी 10 अक्टूबर से ही आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले है ये उसकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आप देख सकते हो मैं वो भी आपको बताऊँगा और एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो अभी रिलीज़ नहीं किया है तो वो जल्द ही इस वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कौन से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जामिया मिलिया इस्लामिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख रहे रहेंगे ऊपर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर यानी आज से ही स्टार्ट होंगे बट अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुए हैं यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो ये यह रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हो इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप वहाँ पर जाकर ये वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो एडमिशन का नोटिफिकेशन और शॉर्ट फ्लेयर यानी उसका जो है एडमिशन का प्रोसेस वग़ैरह क्या रहेंगे वो यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है तो देखिए यहाँ पर पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेंगे फिफ्टी फ़ाइव परसेंट होना चाहिए आपको मास्टर डिग्री में फ़िफ़्टी फाइव परसेंट होना चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री टू ईयर का है आपका तो और यस सी एस और ई के जो स्टूडेंट है वो फाइव परसेंट होता है उनको और यहाँ पर जो है नाइन नाइनटीन सेप्टेम्बर नाइन्टीन के जो स्टूडेंट पास आउट है वही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद जो कैंडिडेट ने यहाँ पर एम फिल कर रखा है तो उनको 55 परसेंट होना चाहिए तब वो यानी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए और उनके जो यूजीसी के जो रूल्स है उसी के बेसिस पर उनका एडमिशन और जो रूल्स होते हैं वो उन पर भी अप्लाई होंगे उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट सेमिस्टर में स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन उनका भी हो जाएगा लास्ट ईयर में जो है यहाँ पर जो है पार्ट टाइम में भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का जो है आपका पैटर्न क्या रहेगा वो भी यहाँ पर बताया है तो देखिए यहाँ आप पर आपके दो पेपर रहेंगे और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में रहेंगे और जो लैंग्वेज के जैसे कि उर्दू हिंदी मराठी जो ये सब्जेक्ट है वो जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है वो उन्हीं के लैंग्वेज में रहेंगे जैसे उर्दू है तो उर्दू में ही आपका जो है एग्जाम रहेगा पेपर रहेगा यहाँ पर टोटल आपको दो पेपर रहेंगे क्वेश्चन पेपर रहेंगे पेपर वन एंड पेपर टू और सेम वेटेज रहेगा इक्वल वेटेज पेपर वन एंड पेपर टू को यानी दोनों को हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे या फिर पेपर टू <coughs> में आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर टू का यहाँ पर उन्होंने कुछ आ, कितने मार्क के लिए आपको पूछा जाएंगे वो नहीं बताया बट पेपर वन के लिए यहाँ पर बताया पेपर वन का देखिए यहाँ पर टू हॉर्स का आपको ड्यूरेशन रहेगा पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए यहाँ पर थ्री हॉवर्स यानी तीन घंटे आपको पेपर सेकेंड के लिए यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा पेपर वन आपका हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन एक मार्क के लिए रहेगा एक मार्क के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा और वो पूरे रिसर्च मैथडोलॉजी जो फर्स्ट पार्ट होता है सभी के लिए कॉमन है ऑल एप्लीकेंट जैसे कि कॉमर्स आर्ट साइंस के जितने भी फैकल्टीज है वो फैकल्टीज के सबको सब के लिए कॉमन रहेगा और पेपर सेकेंड आपका थ्री ओरस का रहेगा तो देखिए आप पर जो है प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ इच फैकल्टी एंड एसोसिएटेड सेंटर जैसे यहाँ पर जो है सेंटर पर आपका जो है एग्जाम वगैरह होगा उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट मार्क चाहिए आपको दोनों को मिला के फिफ्टी परसेंट होना चाहिए जैसे कि आपका टू हंड्रेड का अगर पेपर होता है टू हंड्रेड का टू हंड्रेड का आपका पेपर है तो आपको यहाँ पर दोनों का मिला के हंड्रेड मार्क होना चाहिए जब आप यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाएंगे जैसे कि थ्री हंड्रेड का है तो वन फिफ्टी आपको मार्क होना चाहिए जब यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर अगर आप फीलोशिप वगैरह लेते हो जैसे कि यू नेट सी नेट आयुष नेट जे ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाइड है गेट वगैरह तो उनके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम टेड रहेंगे यानी उनको टेस्ट uh, देने की जरूरत नहीं रहेगी वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली जो है अप्लाई uh, एप्लीकेबल रहेंगे वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल रहेंगे तो उसी के लिए स्टूडेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर वन रिसर्च मेथोडोलॉजी ये आपको हंड्रेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे हंड्रेड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछे जाएंगे तो यहाँ पर हम पूरा आपका कवर करवाएंगे, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर आपको इसमें मिलेंगे और यहाँ पर लेक्चर में आपका एक एक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है उसके बाद टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरह की ये टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एम क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश दो, दोनों दोनों लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में है जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पूरा यानी इंग्लिश में होगा और जो लैंग्वेज के स्टूडेंट है जैसे कि उर्दू हिंदी तेलंग तेलगू वगैरह जो है लैंग्वेज वो उन्हीं के लैंग्वेज में रहेंगे बट बाकी के जो फैकल्टी कॉमर्स साइंस जो फैकल्टी है उनके लिए इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा इसका जो फीस है ये सेवन नाइन्टी नाइन फीस है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो दैन सेकंड के लिए सेकंड जो एक पेपर है स्टडी मटेरियल उसका आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ जो स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है आपको ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इसका फीस ट्रिपल नाइन फीस है अगर आप पेपर वन पेपर टू दोनों भी लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए उसके बाद यहाँ पर आगे अभी इसका पूरा आ, यानी सीट वगैरह तो नहीं दिया है बट यहाँ पर डिपार्टमेंट सेंटर एंड आलाइल डिपार्टमेंट सेंटर यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि किन सब्जेक्ट से यहाँ पर जो है किन सब्जेक्ट से यहाँ पर जो है आप पीएचडी कर सकते हो तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तो उन्होंने अभी Uh, किन सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है वो यहाँ पर नहीं दिया है वो हो जाएगा अपलोड जल्द ही वो अपलोड हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा अभी एप्लीकेशन स्टार्ट है तीस अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो और उसके बाद एक या डेढ़ एक या वन एंड हाफ मंथ में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो नीचे देख सकते हो आप न्यू न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपका जो है नाम डालना है आपको उसके बाद ये पूरा नाम वगैरह भर कर सबमिट करना है उसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो तो इस तरह से मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ पर जाकर विज़िट कीजिए और आपको जो भी कन्फ्यूजन है को, कोई जानकारी वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट कीजिए मैं कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सीरियसली पीएचडी करना चाहते हैं तो कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए क्योंकि पेपर वन जो है हंड्रेड मार्क के लिए रहेंगे आपको और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेपर वन क्योंकि आपका सेकेंड पेपर का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका बहुत वास्ट में पूछा जाता है और स्टडी <coughs> आपको ज़्यादा करना पड़ता है और रिसर्च मेथडोलॉजी का ऐसा है कि हम पूरा आपको करवा देते हैं uh, सलेबस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे तो डेफ़िनेटली आपका जो है पीएचडी में यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे और उसके बाद की भी प्रोसेस हम आपको बताते हैं इंटरव्यू कैसा रहेगा आपका तो स्टूडेंट इसका फीस सेवन नाइन फीस है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए थैंक यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट